नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछड़। भारत देश एक पुण्य भूमि है और यहां पर कई ऐसी दरगाहें हैं जहां पर लोग मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं। भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां पर कहा जाता है कि अगर कोई मन्नत मांग ली जाए तो वो पूरी ज़रूर होती है, और ये दरगाह है राजस्थान की अजमेर दरगाह शरीफ। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर आप दरगाह शरीफ में जाकर कोई भी मन्नत मांगेंगे तो वो पूरी ज़रूर होगी। राजस्थान का अजमेर जिला, जहां स्थित है भारत के पवित्र स्थानों में से एक अजमेर शरीफ। इसकी खासियत है यहां मुस्लिमों के अलावा भी हर धर्म के लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं। आपको बताते चले कि यहां आम लोगों से लेकर बॉलीवुड, राजनीति और इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गज पहुंचते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। अजमेर में कहां स्थित है ये दरगाह? ये दरगाह अजमेर शहर के ठीक बीच में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजे हैं। सबसे भव्य और आकर्षक दरवाजा निजाम गेट है, जो मुख्य बाजार की ओर खुलता है। साल में चार बार खुलता है जन्नती दरवाजा। अजमेर दरगाह के पश्चिम में चांदी चढ़ाया हुआ एक बहुत खूबसूरत दरवाजा है, इसे जन्नती दरवाजा कहते हैं। ये दरवाजा साल में केवल चार बार खुलता है, एक बार बारफिक उर्स के समय, दो बार ईद पर और चौथी बार ख्वाजा साहब के पीर के उर्स पर। अजमेर दरगाह शरीफ शाहजहानी मस्जिद मुगल आर्किटेक्चर का बेहद नायाब नमूना है। यहाँ अल्लाह के 99 पवित्र नामों के 33 खूबसूरत छंद लिखे हुए हैं। क्यों है दरगाह की इतनी मान्यता? दरगाह अजमेर शरीफ एक ऐसा पाक शफाक नाम है जिसे सुनने मात्र से ही रूहानी सुकून मिलता है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अल्लाह के मजार की जियारत कर दुरूर ओ फतेहा पढ़ने की चाहत हर ख्वाजा के चाहने वाले को होती है। दरगाह अजमेर शरीफ का भारत में बड़ा महत्व है। खास बात यह है कि ख्वाजा पर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। यहाँ आने वाले जायरीन, चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों न हो, ख्वाजा के दर पर दस्तक देने के बाद उनके जहन में सिर्फ अकीदा ही बाकी रहता है। अकबर की मन्नत हुई पूरी। एक बार बादशाह अकबर ने इनकी दरगाह पर पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। ख्वाजा साहब की दुआ से बादशाह अकबर को बेटी की प्राप्ति हुई। खुशी के इस मौके पर ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए अकबर बादशाह ने आमेर से अजमेर शरीफ तक पैदल ख्वाजा के दर पर दस्तक दी थी। दरगाह के बरामदे में दो बड़ी देग रखी गई हैं। इन देगों को बादशाह अकबर और जहांगीर ने चढ़ाया था। तब से लेकर आज तक इन देगों में काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, केसर के साथ चावल पकाया जाता है। यह खाना रात में बनाया जाता है और सुबह प्रसाद के रूप में जनता में वितरित किया जाता है। यह छोटे कड़ाहे में 12.7 किलो और बड़े वाले में 31.8 किलो चावल बनाया जाता है। कड़ाहे का घेराव 10 फीट का है। हर मन्नत होती है पूरी। दुनिया भर में धर्म के नाम पर संघर्ष और देश भर में सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले तत्वों के बावजूद ख्वाजा की दरगाह में हिंदू, जैन, सिख, सभी तरह के विचार रखने वाले धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में अपने अकीदत का नजराना आज भी पेश करते हैं। सूफीवाद में ईश्वर की उपासना तो है, लेकिन सूफी को किसी एक धर्म से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। यही सबसे बड़ा कारण है कि 800 सालों से ख्वाजा के दर पर सभी धर्मों के लोग बराबर अपनी आस्था रखते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। राजस्थान के अजमेर की दरगाह शरीफ एक देखने योग्य स्थान है और ये भारत के पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ पर न केवल मुस्लिम बल्कि हर धर्म के लोग और दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।